अगर मसाला बनाने के लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ, ये तमाम चीज़ें मेरा ख्याल है ये बनने के बाद तकरीबन 250 ग्राम गरम मसाला बन जाएगा। और ये इतना पावरफुल और इतना ज़बरदस्त गरम मसाला है कि यकीन माने कि ये कम से कम या तो 6 महीने निकाल देगा, और आपके 1 kg की किसी भी कुकिंग के लिए इसका 1/2 टीस्पून काफ़ी हो जाएगा। बिरयानी पुलाव के लिए 1 टीस्पून काफ़ी होगा। ये जो खुशबूदार और एक कहते हैं ना रिवायती नस्लों से चलता आ रहा है ये गरम मसाला मुंतकिल हो रहा है, इसके लिए मुझे सबसे पहले जो है वो चाहिए थे 6 टुकड़े दालचीनी के। दालचीनी को मैंने तोड़ के छोटा कर लिया है, यानी कि इसे अगर आप टेबल स्पून में तो मेजर नहीं कर सकते हैं, अंदाजे से ले लें। 6 टुकड़ों को मैंने ये छोटा किया है। यहाँ मेरे पास है 6 टेबल स्पून ज़ीरा, 6 टेबल स्पून ज़ीरा लेने के बाद जो है 1 टेबल स्पून यहाँ मेरे पास आपको नज़र आ रहा होगा काला ज़ीरा या स्या ज़ीरा या शाह ज़ीरा, ये 3 नाम हैं इसके। इसके बाद जो है 6 टेबल स्पून ही काली मिर्च यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, 6 टेबल स्पून काली मिर्च है। 3 टेबल स्पून इसके अंदर हमने भर के लिए हैं लौंग, 2 टेबल स्पून भर के लिए ग्रीन इलायची। ग्रीन इलायची अगर थोड़ी सी बढ़ाना चाहें मगर काफ़ी हो जाती है, बहुत खुशबूदार मसाला बनता है। यहाँ पे मेरे पास हैं 7 पीस बादियान के, अगर बड़े बड़े बादियान के हैं तो आप इसे 5 या 4 कर लें, वरना 7 पीस हैं, ये छोटे हैं तो मैंने 7 पीस लिए। यहाँ 1 पीस जायफल का आपको नज़र आ रहा होगा, जायफल को मैंने तोड़ के छोटे टुकड़ों में कर लिया था ताकि ये पीसने में आसान हो जाए। यहाँ 1 टेबल स्पून एक भर के जो है जावित्री ले ली है, 5 पीस यहाँ पे मेरे पास तेज़पत्ता है, तेज़पत्ता अगर बहुत बड़े हों तो आप 3 कर लें वरना ये 5 पीस तेज़पत्ता हो गया। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लिया, 2 टेबल साबुत धनिया। साबुत धनिया जो है क्या करेगा, एक तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ाएगा, जो कारण हमारा जो गर्म मसाला है इसकी कलर को अच्छा करेगा, पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू देता है, सालन में बहुत अच्छी खुशबू देता है। अगर इसे आप ओमिट करना चाहें तो ओमिट कर सकते हैं, बाकी मैं इसमें शामिल करता हूँ। अब ये तमाम चीज़ों को हम किसी मिक्सी जार में डाल के पीसेंगे। यहाँ पे तेज़पत्ता के पीसेस को छोटा कर लें, शामिल करेंगे काली मिर्च, और अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो 2 हिस्सों में तकसीम करके इसे आप जो है बहुत अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। यहाँ सारे अज्जा जितने मैंने आपको बताए वो इसमें शामिल करेंगे। चलिए ये सारी चीज़ें आ गई, अब इसको जो है अच्छी तरह से पीस के पाउडर बना लेंगे। चलिए ये बहुत अच्छी तरह से मिक्सी में हमने इसे पीस लिया, ये देखें बहुत खूबसूरत खुशबूदार, बल्कि यकीन माने कि इतना कोई ये खुशबू फैला चुका है, और इसे किसी एयरटाइट जार में भर दें ताकि इसकी खुशबू अंदर इसकी अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। और एक काम और करना है आपने कि इस गरम मसाले को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी हंडिया में आप गरम मसाला शामिल करते हैं वो उसकी रंगत को ख़राब करता है। ये शाही गरम मसाला है, खुशबूदार गरम मसाला है, इसे एयरटाइट जार में ट्रांसफ़र करते हैं और बस इसको सेव करके रख लेंगे। ये समझे बादशाहों वाली रेसिपी है।